160 फीट की ऊंचाई पे हम लोग जो है और हम लोग खाना खाने वाले, और ऊपर देखिए रांची पर दिख रहा होगा आपको भाई साहब, क्या बात है। नीचे देखिए आप, ये है भाई साहब नीचे का एरिया। इतना ऊंचा में आने के बाद जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत औसम है, बहुत औसम है। मतलब खाना के साथ प्राइसिंग, वाह, ओ हेवी ड्राइवर। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरी इस नई सी वीडियो में। और आज मैं आपको ले करके आया हूँ, हालांकि जब बाहर घूमते हैं हम लोग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, फूड ब्लॉग जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए किसी नए जगह पे, तो मोस्टली कवर करते हैं स्ट्रीट फूड को, लेकिन हम लोग आज आए हैं एक कवर करने के लिए एक रेस्टोरेंट को। ऑन एयर रेस्टोरेंट है, मतलब आसमान में उड़िए और वहाँ पर जाकर खाना खाइए। तो ये पूरा कंपाउंड है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर दिखेगा आपको रेट लिस्ट लगा हुआ है, देखिए ये पूरा रेट लिस्ट लगा हुआ है और सबका रेट लिखा हुआ है। जैसे आप अंदर आइएगा आपको दिखेगा ये बाउंसी, जहाँ पे बच्चे लोग इन्जॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये बुल राइड यहाँ पे, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे लोग यहाँ पे इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चे हो बूढ़े हो सब लोग आकर के इस जगह को इन्जॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रैम्पोलिन, और ये है यहाँ पे बंजी। मतलब आइए और जो भी है जिस भी एज के लोग हैं ना आकर के यहाँ पे इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिखेगा आपको ऑन एयर रेस्टोरेंट, वो जगह पे है। यहाँ पे आने से पहले आपको यहाँ पे स्लॉट बुक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे स्लॉट जो है टाइमिंग दिया गया है कि नेक्स्ट स्लॉट कब शुरू होगा और कैसे कैसे बुकिंग करना है। नंबर दिया गया है, नंबर पर देख करके आप यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। इस जगह पे दिखेगा आपको मेन्यू, देखिए यहाँ लगा हुआ है मेन्यू कि आज के मेन्यू में वहाँ पे क्या क्या है। तो हम लोग चलेंगे इसके अंदर में, नेक्स्ट स्लॉट में हम लोग का बुकिंग है और बुकिंग मत क्या चलते हैं अंदर में, देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस हम लोगों का। फर्स्ट टाइम है इस तरीके से कॉन्सेप्ट में आसमान में उड़ करके जो है खाना खाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है इस तरह से आपको बना हुआ है, यहाँ पे पूरा एरिया है जहाँ पे लोगों को देख रहे हैं सेफ्टी के साथ यहाँ बैठाया गया था। और ये पूरा जाएगा आसमान के ऊपर में और वहाँ पे लोग इन्जॉय करेंगे फिर फूड को, सब कुछ कैसे होता है सब कुछ दिखाएंगे और क्या क्या सर्व करते हैं वो भी दिखाएंगे, सबका टेस्ट कैसा होगा वो भी दिखाएंगे आपको। तो अभी हम मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट स्लॉट में। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऑन एयर डाइनिंग पे, और यहाँ देखिए धीरे धीरे हम लोग ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे दिखा देंगे आपको हम, ये देखिए यहाँ पे रखा है पटनी, और ये देखिए हम लोग धीरे धीरे करके जो है पूरा ऊपर जो है आपको दिखाते हैं एक बार हम, ये देखिए मेरा जो फायर और हम लोग पूरा ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से ही हम लोग आज, ओ माय गॉड क्या बात है भाई साहब, पहला एक्सपीरियंस है हम लोग जहाँ ट्राई करने वाले हैं ऑन एयर, मतलब आसमान में बैठ करके खाने को फूड को एंजॉय करेंगे। देख रहे हैं एक बार व्यूज देखिए ऊपर से आप, नज़ारा देखिए आप रांची का नज़ारा दिख रहा है आपको। अरे हम लोग यहाँ से होकर के हम लोग आए हैं अभी, ये देखिए ओ भाई साहब बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये देखिए आई विश की ये जल्दी पटना में आ जाए और हमारे पटनावासी जो हैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकें। हम लोग ऊंचाई पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए शुरू हो चुका है सब कुछ, जो स्नैक्स मिलेगा फूड में क्या क्या मिलने वाला सब कुछ दिखाते हैं। और एक बार पीछे देखिए आप, हमारे पीछे सब कुछ दिख रहा हो भाई साहब, ओहो हो, ये देखिए आप मुझे देखिए एक बार, मैं जो हूँ ऐसे बैठा हूँ और ये हमारा पैर, और ये देखिए इतना ऊँचाई पर हम लोग आ करके ही जो है फूड को इन्जॉय करने वाले हैं। कितना पे है? 160 फीट पे, ये देखिए 160 फीट, हाँ बहुत टाइम के बाद 160 फीट पर है। अच्छा क्योंकि क्या हो रहा था कि पहले क्या था हवा बहुत तेज चल रहा था, मतलब 145-140 रख रहे थे, मतलब अभी हम लोग सबसे पीक पे हैं, सबसे पीक पे। वाह साहब 160 फीट की ऊंचाई पे हम लोग जो है और हम लोग खाना खाने वाले, और ऊपर देखिए रांची पर दिख रहा होगा आपको भाई साहब, क्या बात है। नीचे देखिए आप, ये है भाई साहब नीचे का एरिया पूरा जो है आपको रांची दिख रहा होगा। और बाकी मैं गए तो भाई साहब नो डाउट डर तो लग रहा है, बगल में जो है विकी है, विकी कैसा लग रहा है तुमको भैया? मतलब कि ना मिक्स है, एक तो अच्छा लग रहा है कि पहली बार है ऊंचाई पे आया, पर हमको नीचे देखने बोलिएगा तो फिर भाई मेरे से तो एक बार यहाँ तो मुझे जो है ना एक बार ये देखिए यहाँ पे देखिए फूड जो है सर्व होना शुरू हो चुका है। ये आ गया हमारे पास नूडल्स और साथ में है यहाँ पे पनीर चिल्ली। वाह साइड में जो मतलब अभी जो है ना आप फूड धीरे करके जो है वहाँ पे देखिए काउंटर लगा हुआ है, काउंटर सर जो है फूड को सर्व करते रहेंगे और सब लोग देखे बैठे हुए यहाँ पे, सब लोग इन्जॉय करें अपने फूड को। और कैमरा मैन भी डर रहा है कि शूट कैसे करें। तो यहाँ पे आ चुका है नूडल्स, और देखिए एक बार नूडल्स देखिए यहाँ पे बोलो सूखा सूखा नूडल्स है, साथ में दिया गया हमारे पनीर चिल्ली को। तो हम करते हैं एक बार टेस्ट इसको, बताते हैं कि इसका स्वाद जो है कैसा है। टेस्ट बहुत बढ़िया है, और हालांकि ये जो है ना आपका नूडल्स ये थोड़ा सूखा सूखा है, ड्राई है, अगर ग्रेवी तरह उसके तो मज़ा आता खाने में, लेकिन ये जो है ना मंचूरियन, ये जो है आपका है ना पनीर चिल्ली, ये बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। उसके बाद क्या मिलता है वो दिखाते हैं आपको हम। ये आ गया चिकन चिल्ली बोनलेस,
तो भाई साहब पनीर चिल्ली बोनलेस मजा आया खा करके, ये है चिकन चिल्ली बोनलेस। भैया क्या बता रहे, सेफ्टी कैसा यहाँ का है? सेफ्टी को लेकर आप सर यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये एक स्लिंग 6 टन का कैपेसिटी है, पर हम लोग इसको 8 स्लिंग यूज कर रहे हैं। जो इंटायर इसका स्ट्रक्चर है, इसमें 5 टन वेट है इंटायर स्ट्रक्चर का विद गेस्ट। ये स्ट्रक्चर का जो वेट है वो 5 टन है, 5.5 मैक्सिमम। ये एक सीलिंग जो है वो 6 टन का कैपेसिटी है। ऐसे ऐसे 8 सीलिंग्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो 8 सीलिंग है अगर आप दिन में देखते हो तो। ये बिल्कुल ही सेफ कॉन्सेप्ट है। जो क्रेन है वो 80 टन क्रेन है, लेकिन हम लोग अभी जो टोटल वेट है वो 5 टन है। तो हर एक चीज़ 80 टन का क्रेन है, 5 टन यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो 20 गुना ज़्यादा मजबूत यूज़ कर रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी है आज तक किसी भी टाइप का एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। ये बहुत सेफ कॉन्सेप्ट है। लोग नया चीज़ है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा हो सकता है मिसहैपनिंग हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा क्रेन बिल्कुल नया है। ये क्रेन शोरूम से पहली बार यहाँ पे सर्व कर रहा है। ये पुणे से क्रेन आया है जिसका 2022 का दिसंबर रजिस्ट्रेशन है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे न्यू है और किसी भी टाइप से आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम लोग हैं, हमारी टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स हैं जो रूटीन चेकअप करते हैं, डेली चेकअप होता है। ऑल ओवर इंडिया में ये 3500-4000 प्राइस होता है, लेकिन हमने इसको झारखंड में 999 में लाया है विद इंक्लूडिंग अनलिमिटेड बूफे, सिर्फ 999 में। तो ये मैं चाहता था कि मैक्सिमम लोग इंजॉय करें इस चीज़ों को, इसलिए हम लोग एकदम नॉमिनल प्राइस में लेकर आए। मेन्यू हम लोग चेंज करते रहते हैं। अभी हमारा जो मेन्यू है वो इंडियन एंड चाइनीज़ का है। जैसे आज आपने पनीर चिल्ली खाए तो कभी इसमें स्लाइस चिकन हो जाता है, तो वो मेन्यू चेंज होते रहता है। तो मज़ा आ रहा है खा करके, टेस्ट बहुत बढ़िया है और उससे बढ़िया यहाँ का एम्बियंस है, यहाँ का एक्सपीरियंस है। नीचे देखिएगा तो डर लगेगा, लेकिन ऊपर बैठिएगा ना, ऊपर देखिएगा तो आपको दिखेगा एक नया सा कॉन्सेप्ट, मतलब डिलीशियस सा फूड दिखेगा आपको, जिसको आप बैठ करके इंजॉय कीजिए। फैमिली, हाँ बच्चे हैं तो शायद वो डर जाएंगे, इसलिए बच्चे को अलाउड नहीं है। 18+ अगर आप लोग हैं तो यहाँ पे आकर के इस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी क्या क्या आता है वो भी दिखाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए पूरा स्नैक्स खत्म हो चुका है, स्नैक्स का टाइमिंग जो है वो ओवर हो गया। अब आ गया है मेन कोर्स, और मेन कोर्स में भाई साहब क्या क्या है, नान, ये है राइस, साथ में दिया गया है चिकन, मतलब नॉन वेज है, और यहाँ पे है पनीर। इंजॉय करेंगे इसको। स्नैक्स ख़त्म हुआ, अब बारी है टेस्ट करने की यहाँ का वेज और नॉन वेज आइटम, और पूरा ये मेन कोर्स है। ख़त्म करते हैं पहले इसको, टेस्ट करते हैं और दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। और जो भी कह लीजिए भाई साहब, खाना तो सेकेंडरी मैटर होता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये वाला एक्सपीरियंस ना आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको आना पड़ेगा रांची में, और कहाँ पे एड्रेस यहाँ दिख रहा है, नंबर यहाँ दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, आकर के यहाँ पे इंजॉय कीजिए सारे फूड को और ऐसे एक्सपीरियंस को। ये चिकन, और हम करते इसको टेस्ट एक बारी, देख रहे हैं वाह, एकदम जूसी चिकन अंदर से। इसको लपेटते हैं ग्रेवी के अंदर में और करते हैं इसको हम टेस्ट। ये जो है ना आपका ये वाला ग्रिप, ये पता है आप इतना ज़्यादा बेंड नहीं हो सकते यहाँ से, तो इसलिए जो है थोड़ा खाते टाइम ना आपको या तो नैपकिन लगना पड़ेगा इस एरिया पे, या फिर आपका ट्रिप होकर नीचे गिर सकता है। तो इसके लिए आप ना थोड़ा टेक केयर कीजिएगा खाना टाइम में। टेस्ट बढ़िया है इसका, चिकन का टेस्ट बढ़िया है। तो ये ख़त्म करते हैं इसका मेन कोर्स, इसके बाद फिर क्या आता है, कुछ आता है, कुछ और भी है कि नहीं है वो आपको दिखाते हैं हम तो यहाँ पर बन चुके हैं, लेकिन पूछना है फीडबैक लोगों का, जो इतना लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे ना, उनसे पूछते हैं फीडबैक कि वो लोग यहाँ पे आकर कितना खुश हैं और कैसा लगा उनको एक्सपीरियंस। रिव्यूज़ के हिसाब से तो हम लोग तो एक्चुअली रिव्यूज़ देख के आए थे, और अभी लग रहा है कि हाँ अच्छा जगह है, 1000 रुपये वेस्ट नहीं हुए हमारे, काफ़ी अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम है और बहुत मज़ा भी आ रहा है, बट ठंड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। पहले तो हल्का डर लगा स्टार्टिंग में, लेकिन अब ठीक नॉर्मल लग रहा है। खाना भी बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत अच्छा लगा यहाँ का। पहली बात तो रांची में ऐसा सोचा नहीं था ऐसा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ इतनी ऊँची में इतना ऊँचा में आने के बाद जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, ठीक है, वो बहुत औसम है, बहुत औसम है। मतलब खाना के साथ प्राइसिंग हर कुछ अच्छा है, ठीक है, तो मस्त यहाँ पे विजिट कीजिए। अमेजिंग फील हो रहा है, और ऐसा बाय फार आई हैव नेवर सच एक्सपीरियंस बिफोर। द थिंग इज दैट यहाँ पे मुझे रांची में नॉट एक्सपेक्टेड कि मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, पर बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसके साथ आपका खाना भी बहुत बढ़िया है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, द फूड इज अमेजिंग एंड विथ अ ग्रेट व्यू, एंड द हाइट इज अप्रॉक्स 165 एंड
The view is awesome. तो फाइनली जो है यहाँ पे लास्ट में आ गया है क्या खाने के लिए, स्वीट्स खाने के लिए हलवा यहाँ पे, और हलवा को इन्जॉय करके ख़त्म करेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट एक घंटे से ऊपर हम लोग हवा में लटके हुए थे। अब धीरे धीरे करके जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं, ये देखिए ये ऊँचाई जो थी इससे हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे थे। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को और मिलते हैं आप सब लोगों को एक नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।